Good afternoon, student. BCom. Second year. Right, और क्या राइट्स होते हैं शेयर होल्डर्स की? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की
टॉपिक था कि वोटिंग राइट्स कौन से होते हैं, तो वोटिंग राइट्स के बारे में देखिए। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए वोटिंग राइट्स यानी जो कंपनी की उसकी पेरो शेयर है, यानी मतगणना की मांग करने की दिशा में प्रत्येक अंशधारी से उत्पाद में मतदान करने का अधिकार होगा। जो उत्पाद उसके द्वारा धारित अंश है उसमें जो साधारण अंश दे रखे हैं कंपनी की कुल प्रत्येक साधारण अंश पूंजी में होगा, यानी कंपनी की जो टोटल पेरो शेयर कैपिटल में उसका हिस्सा कितना है, तो उसको उस अनुसार वोटिंग राइट मिलेगा। वोटिंग राइट सॉल्यूशन में तो एक वोट मिलता है।
यानी जो कंपनी की टोटल
डिफरेंस होते हैं, बट अगर ऐसी कोई कंपनी है जो क्या कह सकते हैं कि जिसने अभी इतने पर्याप्त लाभ नहीं हो रहे हैं, तो 2 साल हो गए उन्होंने डिविडेंड पेड नहीं किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो उस सिचुएशन में वो पास क्या कर सकते हैं कि अपने जो जो भी रिजोल्यूशन होगा कंपनी में तो उसमें उनको वोटिंग करने का क्या होगा अधिकार। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, मैंने वोटिंग राइट्स आपको करा दिए, कौन कौन से वोटिंग राइट्स मिलते हैं, कौन कौन से राइट्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, तो राइट हो गया, वोटिंग राइट हो गया, उनके लाइबिलिटी हो गई, क्या क्या लाइबिलिटी रहती है, तो वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। किस तरह के जो शेयर इशू किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, कौन कौन से किए जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस किस तरह से किए जा सकते हैं, इशू एट ए पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, उनके वोटिंग राइट्स क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर के क्या वोटिंग राइट्स होते हैं, ओन पूल हो सकता है, ठीक है, उनका जीवन पात्र में होता है, ठीक है, और एक मत कहीं एक पूरी जो सभा होती है उसमें एक ही मत होता है, उनका एक ही वोटिंग राइट होता है, एक मत देने का अधिकार होता है। और वोटिंग राइट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्या वोटिंग राइट्स होते हैं ये हमने पढ़ लिया। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, अपने नोट्स बना लेना। अब नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है शेयर वॉल्यूम। इस शेयर वॉल्यूम नेक्स्ट है शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें शेयर सर्टिफिकेट। इस शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स होती है, आपको शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, देखिए मैंने स्टॉक के बारे में आपको बता दिया कि जो कंपनी की जो प्रीफर्ड शेयर कैपिटल होती है उसका भाग होता है ना। अब हम पढ़ते हैं इसमें शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन है।
मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो उसके पास क्या प्रमाण है कि उसने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं? उसके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट होता है बच्चों, नाम याद रखना, शेयर सर्टिफिकेट अंश प्रमाण पत्र कि हमने उस कंपनी में अंश खरीद रखे हैं। एक प्रमाण के रूप में अगर एविडेंस के रूप में पूछा जाए कि कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, एविडेंस के रूप में क्या होता है? वो होता है शेयर सर्टिफिकेट, अंश प्रमाण पत्र, ठीक है? अंश प्रमाण पत्र एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें जो एक तरह का एविडेंस के रूप में इसको यूज किया जाता है और इस पे कंपनी की कॉमन सील, ठीक है? अगर कंपनी की किसी कंपनी की कॉमन सील हो तो कॉमन सील के साथ क्या क्या कि दो डायरेक्टर के साइन, ठीक है, दो निदेशक या संचालक है कंपनी के वो, या एक डायरेक्टर या एंड वन सेक्रेटरी, इन दोनों के या तो कंपनी के दो डायरेक्टर साइन करें उसके, या कंपनी का एक डायरेक्टर, कंपनी में मान लीजिए जैसे कंपनी का एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी, तो उसके सिग्नेचर, इनके क्या होंगे? सिग्नेचर, ठीक है? देखिए, कोई ऐसी कंपनी है जो पब्लिक ऑफर करती है, पब्लिक को ऑफरिंग करती है, ठीक है? सार्वजनिक जो प्रस्ताव करने वाली कंपनी होती है वो शेयर सर्टिफिकेट जारी कर सकती है, और पहले से जो निर्धारित की गई वो सकते हैं कंपनियां हैं वो शेयर जो सर्टिफिकेट है वो जारी करती है, ठीक है? तो देखिए शेयर सर्टिफिकेट कौन कौन जारी कर सकता है, ठीक है? तो देखिए शेयर सर्टिफिकेट यानी जो ऐसी कंपनी जो पब्लिक ऑफरिंग करती है, ठीक है? पब्लिक ऑफरिंग मतलब जनता को आमंत्रित करती है अपने अंश खरीदने के लिए, तो जब जनता को आमंत्रित करती है वो जनता से अंश उनको निगमित करती है, तो उस केस में शेयर सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। और पहले से निर्धारित जो कंपनियां होती हैं वो शेयर क्या कर सकती है? इश्यू एक शेयर सर्टिफिकेट है जारी कर सकती है। अभी क्वेश्चन आ जाएगी शेयर सर्टिफिकेट कौन जारी कर सकता है, तो शेयर सर्टिफिकेट दो तरह के से जारी किए जा सकते हैं। पहले कि ऐसी कंपनी जो क्या करती है, पब्लिक ऑफरिंग करती है, क्या करती है? पब्लिक ऑफरिंग करती है, सार्वजनिक प्रस्ताव करने वाली कंपनी है, ठीक है? और ये डीमैट फॉर्म में ही, ठीक है, यानी जो कंपनियां हैं जो सिक्योरिटी है उसको डीमैट फॉर्म में ही जारी करती है, ठीक है? यानी किसी स्टॉक एक्सचेंज में उनको जारी किया जाता है, जी।
एक्सचेंज सर्टिफिकेट को क्या कर सकती है, जारी कर सकती है। ठीक है, तो डीमैट फॉर्म में जारी कर सकते हैं जैसे कंपनी जो पब्लिक ऑफरिंग करती है उसको, और निर्धारित की गई श्रेणियों श्रेणियों की अन्य यानी पहले से डिफाइन करके वो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। ठीक है, ये कंपनी कोई भी जो सिक्योरिटी है उसको फिजिकली रूप में या डीमैट फॉर्म में निगमित कर सकती है। ठीक है, अथवा अपनी बोली करके जारी किया जाता है कि इतने जिस जो शेयर होल्डर है उसको जारी किया जाता है। कौन कंपनी करती है, जो पब्लिक ऑफरिंग करती है, पहले से डिटरमाइन जो कंपनी होती है, इसको एविडेंस के रूप में जारी किया जाता है ताकि शेयर होल्डर के पास एक एविडेंस होता है कि किसी ने किसी कंपनी के शेयर को खरीदा है। ठीक है, तो वो होता है शेयर सर्टिफिकेट, अंश प्रमाण पत्र। फिजिकली डीमैट के रूप में इसको जारी किया जा सकता है, यानी ऐसे कोई कंपनी जिसने फिजिकली या डीमैट रूप में सिक्योरिटी को इशू किया है वो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। और इफेक्ट्स ऑफ जो शेयर सर्टिफिकेट्स होंगे वो हम नेक्स्ट जो हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो क्या लिखना है आपको कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं।